Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Good evening from Jubail, Saudi Arabia. तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे. तो दो हफ्ता गैप के बाद जो है आज हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और अभी हम एक पार्क में हैं. खैर, दो हफ्ता इसलिए नहीं वीडियो बनाया कि दिल नहीं कर रहा था, थोड़ा काम ज़्यादा था इस वजह से. पर आज सोचे थोड़ा रिकॉर्ड करते हैं वीडियो और आप लोग से जो है मुखातिब होते हैं, आप लोग से मिलते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा दिन हो गया है, आप भूल जाइएगा हमको फिर. तो खैर, यही टहल रहे थे, यहाँ पे वॉक कर रहे थे, थोड़ा गैस का प्रॉब्लम है तो वॉक कर रहे थे इसी पार्क में. तो सोचे कि जो है यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं. लाइट जो है अच्छा लाइट आ रहा है यहाँ पे, रोशनी अच्छा है, तो इसलिए रिकॉर्ड कर लेते हैं और दिखाते हैं कैसा पार्क है यहाँ पे. तो ये है पार्क का कुछ नज़ारा. यहाँ पे चेयर वगैरह लगा हुआ है बैठने के लिए और जो है छोटा सा पार्क है, ज़्यादा बड़ा नहीं है. बस यही राउंड मार रहे हैं, थोड़ा सा 5-6 बार हो गया है राउंड. तो फिर हम सोचे हैं कि अब वीडियो बनाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. तो यही है. और यहाँ से जो है रोड गुज़र रही है, तो ये रोड सबसे बिजी रोड है, इधर से कनेक्टर है ये, तो इसीलिए यहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा होती है इस रोड पे. खैर कोई नहीं, टहलते हुए थोड़ा चलते हैं बकाला की तरफ. वहाँ दिखाते हैं सैलून है, एक बकाला है, एक मकसला है. मकसला मतलब कपड़ा आयरन करने वाला, वो है. तो वही सब दिखलाएंगे. और यहाँ यही है बच्चों के लिए जो है खेलने के लिए जो है बनाया गया यहाँ पे झुलुआ, ये झूलने के लिए ये घोड़ा बनाया गया स्प्रिंग के सहारे. ये थोड़ा सा घूमेगा नहीं, आगे पीछे करेगा. और झुलुआ है, हम लोग भी झूल सकते हैं मगर नहीं, बच्चे ही झूलेंगे. ये सब कुछ है एक्टिविटी यहाँ पे बच्चों के लिए. फिर बड़े लोग यहाँ बैठेंगे चेयर पे. और एक ही लाइट लगा है और एक लाइट इधर है, तो रोशनी कम दिख रहा होगा आप लोगों को, पर है ठीक ठाक है. शाम में थोड़ा टहलने के लिए सही है. पहले आते थे यहाँ पे तो कुछ मतलब कि एक भाई थे, अभी घर चले गए छुट्टी, वो रहते थे तो यहाँ पे चहल पहल रहता था. दो तीन ड्राइवरों को लेके बैठते थे, पर वो अभी चले गए हैं इसलिए पूरा सुनसान है. बस अकेले आते हैं रात शाम को टहल के, फिर चले जाते हैं. ठीक है, मिलते हैं आगे. तो यहाँ पे देख रहे होंगे आगे मस्जिद है और यहीं पे सामने में जो है मतलब कि बकाला वगैरह सब है. तो थोड़ा और नज़दीक चलते हैं फिर आपको नज़र आएगा. एक घर है यहाँ पे, एक अपने बिहार के हैं, पर वो नज़र ही नहीं आते कि उनसे बात वगैरह किया जाए. ये मस्जिद है, यहाँ बकाला वगैरह है. चलते हैं करीब तो दिखाते हैं. हाँ, तो ये रहा मस्जिद और यहाँ पे जो है एक सैलून है और एक बकाला है और एक आयरन की दुकान है. चलते हैं बकाला में, उसके बाद जो है फिर थोड़ा बातचीत करते हैं. बंगाली दादा है, उससे बात करते हैं. थोड़ा थोड़ा हमको बंगला आता है तो उनसे बात करते हैं. कोई काम वगैरह होगा तो फिर उनसे जो है काम वगैरह होगा तो फिर उनसे बात करते हैं. ठीक है. हाँ जी, तो बकाला गए थे, बकाला से जो है एक ऑरेंज जूस लिए हैं अपने लिए, ताकि थोड़ा एनर्जी जो है बना रहे. ठीक है ना, वैसे भी जो है एसी में बैठे बैठे सोए सोए ना पूरा कमर हाथ सब में दर्द हो जाता है, और एसी ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, नुकसानदेह है. जितना कम हो उतना चलाइए. अभी मौसम भी यहाँ पे ज़्यादा गर्म नहीं है, नॉर्मल हो गया यहाँ पे, तो इस वजह से जो है ठीक है. कम एसी में रहिए और जो है थोड़ा सेहत पर ध्यान जरूरी है. रूम में एसी ज़्यादा तेज़ होता है तो उससे ठंडा ज़्यादा होता, तो मतलब हड्डी हड्डी जो है कमज़ोर हो जाता है, आदमी सिर्फ फूल जाता है. तो यही बात है, बस जूस ले लिए हैं और चलिए अंदर दिखाते हैं. खाने का जो है हमारे पास है और शोरमा आया है, शोरमा दिखाते हैं और चलिए आइए. जी हाँ, तो अभी हम आ गए हैं रूम में और थोड़ा खाते हैं शोरमा. और वीडियो नहीं बनाने का भी बहुत बड़ा कारण ये था कि जो है थोड़ा हम बाल मुड़वा दिए हैं, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे मेरा और डैंड्रफ, और थोड़ा थोड़ा जो है नोच रहा था बाल, सर नोच रहा था मेरा, तो इस वजह से बाल छिलवा दिए हैं. तो सोचे कि एक हफ्ता बाद जब थोड़ा बाल हो जाएगा तो वीडियो स्टार्ट करेंगे, तो इस वजह से भी वीडियो नहीं बनाते. खैर कोई नहीं, जैसा हम हैं वैसा दिखेंगे. ठीक है ना, उसके लिए हम टेंशन नहीं लेते हैं. खैर तो देखिए आप जो है ये शोरमा और जो है ये जूस जो भी लाए हैं. शोरमा जो है काफ़ी अच्छा है,
इसमें से एक तो खा चुके हैं, एक बचा है। तो इसमें जो है फ्राइज़ है, पोटैटो फ्राइज़, तो हमने खाया नहीं है इसको, क्योंकि पोटैटो जो है गैस बनाता है और गैस से हमको प्रॉब्लम है, तो हम नहीं खाते हैं पोटैटो ज़्यादा, तो फ्राइज़ नहीं खाते हैं। ये रहा शोरमा, तो इसको ओपन करते हैं। लगता है किंग साइज़ नहीं, बिग साइज़। और थोड़ा मतलब कि रूम बहुत छोटा है, तो इस वजह से बेड पे ही खाना पड़ता है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। तो यही है, समझिए डिनर यही, हल्का फुल्का खा लेते हैं और खा के फिर सोया जाएगा। और इसको फिनिश करते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं आपसे। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है खाना फिनिश हो गया है, खा लिए हैं शोरमा, और बहुत मज़ेदार था, बहुत लाजवाब था। और जो है शोरमा वाकई में अच्छा होता खाने में। और थैंक्स टू उमर जो हमारे कफिल का भाई है, और वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा लड़का है, हेल्पफुल है हमारे लिए। और वो ख़ुद से बोला कि हम तुम्हारे लिए खाना मंगवा दे रहे हैं, तो मंगवा दिया है, बहुत शुक्रिया उसका। और जो है सबको जो है ऐसा कफिल मिले। मेरा कफिल का भाई जो है मेरे कफिल से लाख गुना अच्छा है, और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे अभी। जब हम यहाँ से जाएंगे फिर हम बताएंगे यहाँ का एक्सपीरियंस, अभी तो नहीं बता सकते क्योंकि अभी हम काम कर ही रहे हैं यहाँ पे। तो आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी प्रॉब्लम फॉर माय सेल्फ हियर, सो आई हैव टू बी सेफ। खैर कोई नहीं, तो यही है वीडियो में, छोटा सा वीडियो बना लिए, बहुत दिनों से नहीं बना रहे थे, तो आज जो है हमने वीडियो बनाया है। और आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जी हाँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।